हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 विज्ञान के मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हैं। और अब तक हमने 6 मॉडल पेपर सोल्व किए हैं। ये जो मॉडल पेपर है संजीव देशवर के लेटेस्ट 2023 के पैटर्न पे आधारित है। तो यदि अभी तक आपने जो 6 मॉडल पेपर है उनका सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल माई साइंस अकेडमी की प्लेलिस्ट RBSC Class 10 साइंस मॉडल पेपर 2023, वहां से ये 6 मॉडल पेपर देख सकते हैं। तो जो मॉडल पेपर 7 है इसके कंप्लीट एंड डिटेल सॉल्यूशन के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए 80 नंबर का पेपर होगा और इसमें जो सेक्शन फर्स्ट होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न है इसमें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में होता है। तो देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रंग भी परिवर्तित होता है, अवस्था भी उसकी परिवर्तित होती है और उसका ताप भी परिवर्तित होता है। तो जो सारे ऑप्शन हमारे राइट इसमें हो जाएंगे। देखिए यहां से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे कोई रासायनिक अभिक्रिया, देखिए उसका एग्जाम्पल यहां से पूछा जा सकता है या फिर यहां से कोई जो तत्व है, कोई पदार्थ है उसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है या फिर कोई रिएक्शन देके उसमें पूछी जा सकती है, वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, या फिर यहां से क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है या किसका अपचयन हो रहा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए कि आसुत जल की पीएच का मान कितना होता है। तो देखिए आसुत जल या जो शुद्ध जल की हम बात करें उसकी पीएच कितनी होती है, ये होती है 7 होती है। तो देखिए जो पीएच है 7 पे, किसी विलयन की पीएच यदि 7 है तो वो उदासीन होगा और यदि 7 से कम है तो वो अम्लीय होता है, और 7 से यदि पीएच ऊपर होती है तो वो क्षारीय होता है। नेक्स्ट है कि सीनाबार किसका अयस्क है। तो देखिए सीनाबार जो हमारा मरकरी होता है उसका अयस्क है, मरकरी यानी कि HZ उसका अयस्क है। नेक्स्ट देखिए कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना है। तो देखिए जुकाम ये वायरस से होने वाला, राइनो वायरस से होने वाला रोग है। मधुमेह इंसुलिन की कमी से, गोइटर ये जो रोग होता है, गोइटर या गलकंड जिसे घेंगा रोग बोलते हैं, ये आयोडीन की कमी से होता है। और जो रतौंधी रोग है विटामिन ए की कमी से होता है। तो राइट आंसर इसमें हमारा गोइटर होगा। यह सुझाव किसने दिया कि जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक अणुओं से ही हुई होगी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे। तो देखिए जो हमारा यह सुझाव है होल्डेन ने दिया था। क्योंकि ना ही तो मेंडल है, मेंडल ने जैसे मटर के पौधे से संबंधित है, और डार्विन ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, और मिलर ने भी ये कथन नहीं दिया था। तो अकार्बनिक अणुओं से उत्पत्ति किसने मानी थी, होल्डेन ने मानी थी। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं। तो देखिए जो ध्रुव होता है वो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र होता है। नेक्स्ट है, अब ये चूंकि यहां स्पेस है नहीं ज्यादा तो जैसे वक्रता केंद्र बनाते हैं, तो वक्रता केंद्र इधर होता है, ध्रुव जैसे कोई दर्पण होता है उसके केंद्र पे होता है, मुख्य फोकस जहां जो किरणें मिलती हैं, मुख्य अक्ष जो उसके केंद्र से गुजरने वाली किरण होती है वो मुख्य अक्ष होती है। सेवेंथ है कि मां और भ्रूण के बीच साहचर्य कौन करता है, किसमें कारकीय आदान प्रदान होता है। तो देखिए जो हमारी प्लेसेंटा होती है जिसे आहार नाल बोलते हैं, जिसके द्वारा जो भ्रूण को पोषण प्रदान किया जाता है, तो उसके द्वारा माँ और भ्रूण के बीच में साहचर्य होता है यानी कि एक रिलेशन स्थापित होता है। जब प्रकाश प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन होता है। तो देखिए जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म से पहले जो प्रकाश होता है श्वेत या मिश्रित प्रकाश होता है, तो इससे गुजरने के बाद ये 7 रंगों में टूटता है। अब 7 रंग जो विभगियोर क्रम में होते हैं, तो
अगर इनके क्रम के अकॉर्डिंग देखिए, विबग्योर के अकॉर्डिंग हम इनको देखें तो जो बैंगनी रंग है उसका विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। नाइन्थ है कि जो विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो देखिए ये हमारा टंगस्टन का बना होता है। एक जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, इसमें कितने प्रतिशत मैथेन गैस होती है? तो देखिए यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो जैसे एलपीजी की फुल फॉर्म, सीएनजी की फुल फॉर्म, या फिर जैसे पूछ लिया कि एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा होता है, या फिर पूछ लिया सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा होता है। अब जैसे यहां पूछा है कि जो जैव गैस है उसमें मैथेन की कितनी मात्रा होती है, तो देखिए मैथेन इसमें 75% होती है यानी कि 3/4। नेक्स्ट है कि जैव आवर्धन उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, तो देखिए जैव आवर्धन यानी कि ये खुद की जो संख्या है उसमें ये वृद्धि करता है कि अगर ये किसी, जैसे मान लो कि जो जैव आवर्धन वाला पदार्थ है ये किसी जैसे कि तालाब में चला गया तो वहां ये अपनी वृद्धि कर लेता है और उस जो तालाब है वहां से सारी जो ऑक्सीजन है उसको ग्रहण कर लेता है, जहां से उसमें रहने वाले जीवों के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। तो जो हमारा पीडकनाशी है वो भी यही काम करते हैं, शाकनाशी ये भी जैव आवर्धन उत्पन्न करते हैं, तथा डीडीटी ये भी इसी का काम करता है। तो ये हमारे सभी ऑप्शन राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला और पेट्रोलियम में उपस्थित होता है, तो देखिए जो कोयला और पेट्रोलियम है इसमें हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन होती हैं, सल्फर भी होता है एवं कार्बन भी होता है। जब इसका दहन होता है तो जिससे सल्फर के रूप में प्रदूषण होता है और कार्बन के जो यौगिक हैं उनके रूप में, तो उपयुक्त तो सभी ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है, अब जो नेक्स्ट सेक्शन आपका होगा इसमें रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन होंगे और ये भी 1 नंबर के एक क्वेश्चन होगा। तो देखिए दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बने बंध को हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध कहते हैं। सेकंड है, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का क्या होती है? आवर्त फलन होती है। यहां से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ तो या तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहे हैं, या फिर जैसे किसी बंध के बारे में पूछ लिया, या फिर जैसे कि आवर्त में दाएं से बाएं या बाएं से दाएं ऊपर से नीचे जाने पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। थर्ड है, ग्लूकोज कोशिका द्रव में पाइरूवेट में विघटन होता है। जब लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था ग्लूकोज का विघटन, तो उसमें जैसे तीन तरह से विघटन इसका हुआ था, कोशिक जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी कि एक वायवीय शोषण था, एक अवायवीय शोषण था, और एक जो यीस्ट की उपस्थिति में था जिसमें हमारे पास एथेनॉल बना था, एक में जो अवायवीय शोषण था यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसमें हमारे पास लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन हुआ था, और तीसरा था जिसमें ऊर्जा और CO2 का फॉर्मेशन हुआ था। पादप कोशिकाएं जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती हैं, जैसे कि छुई मुई का पौधा होता है तो जैसे कि ये जैसे कि स्पर्श करने पे मुरझा जाता है, तो ये क्या करता है कि उस भाग में जो जल की कमी कर देता है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक या व्यापारिक मात्रक क्या होता है? ये होता है kWh, जिसे हम यूनिट भी बोलते हैं, किलोवाट घंटा। नेक्स्ट है, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार बेलन की आकृति अनेक फेरों वाली कुंडली को हम क्या कहते हैं? परिनलिका कहते हैं, कि जो इसमें विद्युत रोधी तांबे के तार को अगर बेलनाकार आकृति के रूप में लपेट दें तो ऐसी कुंडली क्या कहलाती? परिनलिका कहलाती। देखिए थर्ड है, थर्ड भी जो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का होगा। तो देखिए अभिक्रिया H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फाइड Br2 और 2SBr+S में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? तो देखिए जो एक जिसका ऑक्सीकरण होता है, जैसे कि O2 का जुड़ना, वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और अगर किसी में हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो वो क्या होता है? अपचयन। तो इस तरह से यहां जो Br2 है उसके साथ हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीकरण में क्या होता है? हाइड्रोजन की कमी होती है और अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है, तो ये Br2 से
एस बी आर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन हो रहा है बी आर टू का। नेक्स्ट है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने के लिए जिप्सम को किस ताप पर गर्म किया जाता है। तो देखिए, जो कैल्शियम सल्फेट का हाफ डी या 1/2 H2 होता है, हाइड्रेट होता है ये, तो ये 300 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। तो जिप्सम को, जैसे जिप्सम में 2H2 होता है और इसमें हाफ H2 होता है, उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो ये हमारी जो ब्रोमीन है वो कमरे के ताप पर द्रव होती है। अब देखिए कि जो बेंजीन है उसमें एकल द्विबंध और त्रिबंधों की संख्या में बतानी है। तो देखिए, बेंजीन होता है C6H6, यानी कि 6 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े होते हैं। तो देखिए, एक दो, जैसे एक बंध, दो बंध, तीन बंध, चार बंध, पांच बंध, छह बंध। अब जैसे डबल बंध है तो उसके साथ सिंगल बंध भी होगा, तो यानी कि ये एकल बंध तो हो जाते हैं 9, और द्विबंध, द्विबंध हमारे एक दो और तीन, और त्रिबंध इसमें अनुपस्थित होता है, तो इस तरह से ये हो जाता है। नेक्स्ट देखिए कि मेंडलीफ ने तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों को किन तत्वों से बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। तो देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन थे। सभी NH क्रियाओं पर नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो देखिए, मस्तिष्क के भाग होते हैं प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क जैसे, और मेडुला ओब्ला गेटा। ये जो हमारी NH क्रियाएं हैं, जैसे वॉमिटिंग वगैरह है, या फिर जैसे कि भय का लगना, संवेदनाएं हमारी, जिनका हमारे पर नियंत्रण नहीं होता, तो वो मेडुला ओब्लॉगेटा नियंत्रित करता है। ट्यूबेक्टोमी का संबंध किस संरचना या अंग से है। ट्यूबेक्टोमी यानी कि नसबंदी, इसका संबंध होता है अंड वाहिनी से। ट्यूबेक्टोमी में जो हमारी जो मादा में फेलोपियन ट्यूब है उसकी नसबंदी कर दी जाती है, तो ये अंडवाहिनी से संबंधित है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब से संबंधित भी इसको बोल सकते हैं। विद्युत द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो विद्युत शक्ति क्या होती है, ये कोई जो विद्युत उपकरण है उसके द्वारा प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा मिल रही है, वो विद्युत शक्ति है। नेक्स्ट है कि उस नियम का नाम लिखिए जिसकी मदद से धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, यानी कि FBI, यानी कि बल, कोई धारावाही चालक है उसको इस तरह से पकड़े कि जो हमारा बायां हाथ है अंगूठा, बल की दिशा में, बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो जो हमारी उंगलियां हैं वो धारा की दिशा को व्यक्त करती हैं। वृत्ताकार धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो ये इसके केंद्र पर सर्वाधिक होता है। OTC विद्युत संयंत्र का पूरा नाम बताइए। तो ये होता है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, यानी कि सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र। अब देखिए, जो खाद्य श्रृंखला अधिक लंबी कब होगी। तो जो जीवों का खाद्य स्वभाव में जितनी अधिक विविधता होगी, कि वो जैसे किस किस पे डिपेंडेंट हैं, जीव किस किस अपने जो खाने के लिए किस किस पे डिपेंडेंट है, तो जैसे जितनी विविधता आती जाएगी उतनी ही खाद्य श्रृंखला इसकी लंबी होती जाएगी। अब देखिए, ये जो सेक्शन बी है इसमें जो क्वेश्चन है, दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं, और इसमें जो लघुरात्मक क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी एक उपयोगिता लिखिए। तो देखिए, जो धातु की क्रियाशीलता है उसको अवरोही क्रम में यदि हम व्यवस्थित कर दें तो हमें सक्रियता श्रेणी प्राप्त होती है, और इसका उपयोग किया जाता है किसी अयस्क से धातु के निष्कर्षण में। साबुनीकरण किसे कहते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है। तो देखिए, यदि हम एस्टर होता है, एस्टर समूह, उसकी अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम करवाएं, तो एल्कोहल एवं कार्बोक्सिल अम्लों के हमें सोडियम लवण प्राप्त होते हैं। अब ये हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई है, तो इसे हम पोटियम हाइड्रोक्साइड से भी करवा सकते हैं, तो उसमें हमारे पास पोटियम, जो पोटेशियम है, उसके लवण प्राप्त होंगे। इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं, और इसके द्वारा साबुन तैयार किए जाते हैं। निम्न सूत्र वाले यौगिक किस सजातीय श्रेणी के हैं। तो देखिए, एथीन का ये एमाइड समूह जुड़ा है इसके साथ NH2,
तो ये एमीन श्रेणी का है, और जो क्रियात्मक समूह क्या है इसमें, NH2 है। ये जैसे CH3, सी डबल बॉन्ड ओ CH3 है ये। तो यहां जो सी डबल बॉन्ड ओ ये समूह है, ये कीटोन समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए, बाएं से दाएं जाने पर जो परमाणु त्रिज्या घटती है, ऐसे ही जो संयोजकता कोश है उसके इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। और जब किसी धातु के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होगी तो उसका धातु गुण कम हो जाता है। प्लाज्मा किसे कहते हैं? तो देखिए, जो हमारा ब्लड होता है उसमें एक लिक्विड सब्सटेंस यानी कि सफेद रंग का जो पदार्थ होता है प्लाज्मा, तो इसमें जो क्या होती है, रुधिर कोशिकाएं निलंबित होती हैं। अब प्लाज्मा भोजन CO2 और नाइट्रोजनी युक्त जो पदार्थ है वो इसमें मिक्स होते हैं, और ये उनका क्या करता है, परिवहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता है। स्वयं परागण किसे कहते हैं, इसका क्या लाभ है? तो देखिए, कोई एक पुष्प है, उसके परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर यदि हम कर दें तो इसे हम कहते हैं स्वयं परागकण। अब इसका लाभ क्या है कि परागकणों को वर्तिकता तक पहुंचाने के लिए भिन्न भिन्न साधनों पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ता, और जो परागकण व्यर्थ भी नहीं होते। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, ये मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र है। इसमें ये जो हमारी फेलोपियन ट्यूब है, ये अंडाशय है जहां अंडे का निर्माण होता है, उससे अंडा यहाँ आके गर्भाशय में शुक्राणु से मिलता है और यहाँ निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये ग्रीवा है, ये हमारा गर्भाशय है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन का कारण क्या है? तो देखिए, जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यम को जो पृथक करने वाला पृष्ठ होता है उस पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। फिक्स डेफिनेशन है, या तो अपवर्तन की परिभाषा पूछी जाती है, अपवर्तन के उदाहरण पूछे जाते हैं, या फिर पूछा जाता है कि अपवर्तन की कौन सी घटना है। जैसे कि पेंसिल, कोई कांच का गिलास है उसमें पेंसिल का उठा हुआ दिखाई देना, सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना, दोनों माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होने के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। दिश्य धारा जनित्र एवं विद्युत मोटर में अंतर लिखिए। तो देखिए, दिश्य धारा जनित्र क्या करता है कि जो विद्युत ऊर्जा को हमारी परिवर्तित करती है, यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, जबकि जो विद्युत मोटर है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, और ये धारा के चुंबकीय प्रभाव के आधार पर कार्य करती है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के विभिन्न भागों को लिखिए। देखिए, आर्मेचर होता है इसमें, तो ये क्या होता है, अपनी अक्ष पर घूर्णन करता है। जब इसका हम डायग्राम बनाएंगे तो आर्मेचर बीचों बीच होता है, इसके चारों ओर क्षेत्र चुंबक होता है, और इसमें सर्पिवलय, ये आर्मेचर के बाहर इस तरह से लगे हुए होते हैं कि ये आर्मेचर के साथ घूर्णन करते हैं, और इसमें ब्रश होती हैं धातु या कार्बन की बनी हुई, जिनसे हम बाह्य परिपथ में धारा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। तो देखिए, मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता है, अब किसी अलग से कोई धातु है और एक धातु की नई धातुओं का मिश्रण है तो उसकी तुलना में क्या होती है, अधिक होती है, तथा जब भी उच्च ताप होता है तो इनका अपक्षयन अवयवी धातु यानी कि जो पर्सनल धातु है किसी, उसकी तुलना में आसानी से नहीं होता, इसलिए हम विद्युत टोस्टरों या विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव में मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। तो देखिए, 15 क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, तो यहां से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजन का कोई एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है और उसका तुल्य प्रतिरोध पूछा जाता है, यानी कि तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध। तो देखिए, ये इस तरह का संयोजन है, तो ये जो दोनों है ये श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो सबसे पहले इनका हम जो R1 R2 है इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो R1 R2 श्रेणी क्रम में है,
और श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है दोनों के योग के बराबर होता है, यानी कि R1 + R2। तो ये कितना है, 8 ओम। तो इसके बाद ये हमारा इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया ये परिपथ कि ये 8 ओम का बन गया और ये 4 ओम का हमारा R3 पहले से चल रहा है। अब ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो ये दोनों का क्रम कैसा है, ये समांतर क्रम संयोजन है। अब जो समांतर क्रम संयोजन है उसमें क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में जो दोनों प्रतिरोध हैं उनके व्युत्क्रमों का योग करके हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो देखिए ये 1/8 होगा और ये 1/4 होगा, तो यहां से आया 3/8। अब हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो इसे हमने आर इक्वेलेंट डैश से व्यक्त किया था क्योंकि आर इक्वेलेंट ये आ चुका था। आप इसको और कुछ नाम भी दे सकते थे कि जिसको जैसे कि R4 दे दिया, ये R3 था। तो आर इक्वेलेंट, तो ये आर इक्वेलेंट निकालेंगे इसका व्युत्क्रम तो ये 8/3 यानी कि 2.66 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधनों तथा सूर्य में अंतर लिखिए। तो देखिए जीवाश्म ईंधन है उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऐसे ही जो सूर्य है उससे हमारे पास सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो जीवाश्म ईंधन है ए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जबकि सूर्य नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है। यहां से जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है नवीकरण और ए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की डेफिनेशन या उनके एग्जाम्पल यहां से पूछे जा रहे हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है सूर्य जैसे पवन ऊर्जा है, इनका प्रकृति में चक्र चलता रहता है यानी कि एक बार खत्म होने के बाद वापस से प्राप्त किया जा सकता है, और जीवाश्म ईंधन एक बार खत्म होने के बाद वापस से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब जीवाश्म ईंधन है किसी भी समय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन जो सौर ऊर्जा है ऊर्जा तभी प्राप्त होगी जब सूर्य चमकता है, यानी कि जैसे कि अगर सूर्य के सामने बादल आ गए तो ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, ऐसे ही रात्रि में ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। 17 क्वेश्चन है जो सेक्शन सी है उसमें तीन तीन नंबर के क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कितने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, समझाइए। तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या होती है कि कोई समीकरण है जिसमें अभिकारक और उत्पाद उनकी भौतिक अवस्था भी हमने व्यक्त कर रखी है, जैसे कि ये अभिकारक है इस साइड के बाईं साइड के अभिकारक होते हैं, ये कोई समीकरण है दाएं साइड के उत्पाद होते हैं, और इनकी जो भौतिक अवस्था ये सॉलिड स्टेट में है गैस स्टेट में है वो भी यदि व्यक्त कर रखी है, तो ऐसी समीकरण क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब कुछ रासायनिक समीकरण बतानी है आयरन का भाप के साथ। तो देखिए आयरन Fe और H2O भाप के रूप में है यानी गैस स्टेट में, इससे बनेगा Fe3 O4 और H2 H2 गैस रिलीज होगी। अब इनकी जो स्टेट है वो हमने लिख दी, तो ये जो एक समीकरण है इसको संतुलित करने के लिए यहाँ Fe3 है तो यहाँ 3 लगा दिया, यहाँ 4 हाइड्रोजन के अणु है तो यहाँ हमने 4 लगा दिया, तो ये हमारी इस तरह से बैलेंस हो गई। दूसरी है सोडियम का जल के साथ, तो देखिए Na और H2O इससे बना NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस रिलीज हुई। अब यहाँ H2 लिक्विड स्टेट में है और यहाँ भाप अवस्था यानी कि गैस स्टेट में है। अब नेक्स्ट देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, इसके प्रमुख भागों के बारे में बताइए। तो देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि वह तंत्र जो कपाल तंत्रिकाओं एवं मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। अब देखिए यहां से अगर आपसे कभी पूछा जाता है तो जैसे कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं क्या है, देखिए कपाल जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो कपाल यानी कि मनुष्य की जो खोपड़ी है जो मस्तिष्क है उससे निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं और इनकी संख्या होती है 12 जोड़ी। अब इनमें कुछ संवेदी होती हैं, कुछ प्रेरक होती है, कुछ मिश्रित प्रकार की होती हैं। ऐसे ही जो मेरु तंत्रिकाएं जैसे नाम से स्पष्ट है मेरु रज्जु है यानी कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उससे निकल रही है, तो उससे निकलने वाली तंत्रिकाएं कितनी होती हैं, 31 जोड़ी होती हैं। और ये जोड़ियां 31 जोड़ी ये मिश्रित प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट देखिए 19 क्वेश्चन है, एकल संकर को परिभाषित कीजिए मेंडल के किसी एक विकल्पी जोड़े के संकरण को आरेख चित्र द्वारा दर्शाइए। तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि जो शुद्ध पौधे हैं उनको हम किस तरह से व्यक्त करते हैं, कैपिटल TT से व्यक्त करते हैं।
और शुद्ध बौने पौधे हैं उसको हम स्मॉल टी टी से व्यक्त करते हैं। अब इसका हमने एक युग्मक लिया टी और इधर से स्मॉल टी, अब इनका संकरण कराया तो जो सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए, यानी कि टी टी क्योंकि कैपिटल टी लंबे पौधे के लिए, क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है। अब हमने जो सभी लंबे पौधे हैं उनका स्वपरागण कराया, यानी कि जो टी टी है इनका स्वपरागण करा रहे हैं। तो देखिए अब ये हमारी जो F1 पीढ़ी थी उसमें सभी लंबे पौधे थे, अब ये हमारे पास युग्मक इससे प्राप्त होंगे टी टी स्मॉल टी, ऐसे इससे कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इससे कैसे पौधे प्राप्त होंगे, देखिए टी टी ये यहाँ जाएगा तो टी का इसका इसके साथ, यानी कि टी टी फिर इसका इसके साथ, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे ही जो इसका होगा इसके साथ तो टी टी, और इसका होगा इसके साथ यानी कि टी टी। तो देखिए जो F2 पीढ़ी प्राप्त हो रही है उसमें टी टी लंबे पौधे, टी टी लंबे पौधे और टी टी ये हमारे पास लंबे पौधे हैं, और ये हमारा बोना पौधा होना चाहिए टी टी, है ना, क्योंकि जो बोने पौधे के लिए स्मॉल टी टी ये प्रभावी गुण है, तो ये हमारा बोना होना चाहिए। तो इस तरह से हमारी F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। अब नेक्स्ट देखिए, एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का उदाहरण दीजिए। तो देखिए इंद्रधनुष वर्षा से जो प्राप्त होता है, कब प्राप्त होता है कि जैसे कि सूर्य सामने हो, और जैसे सूर्य अगर मान लो कि पश्चिम में है और पूर्व में वर्षा हो रही है, तो जो पानी की बूंदें हैं उसमें से सूर्य की किरणें निकलेगी, और सूर्य के जो विपरीत डायरेक्शन है उधर की ओर इंद्रधनुष का निर्माण होगा। तो इसमें 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, जो विभ्योर के अकॉर्डिंग होते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का किरण चित्र बनाइए। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देती। अब इसमें क्या होता है कि जैसे रेटिना हमारा कहाँ होता है, यहाँ होता है रेटिना, रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है। तो अब इसके निवारण के लिए हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो किरणों को फैला सके, ताकि ये किरणें फैल के यहाँ प्रतिबिंब बनाए। तो ऐसा लेंस कौन सा होता है, अवतल लेंस होता है जो किरणों को फैलाता है। तो अब से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहां से इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक क्वेश्चन कंफर्म होगा कि निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है, इसका किरण चित्र बनाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सेक्शन डी है, इसमें 21, 22, 23 जो विकल्प वाले क्वेश्चन होंगे, यानी कि अथवा वाले क्वेश्चन होंगे, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा इसमें। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु से होने वाली क्रिया से निकलने वाली गैस का नाम लिखिए तथा अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। तो देखिए इसकी रिएक्शन हम की बात करें, हम रिएक्शन नीचे लिख रखी है, पहले ऐसा करते हैं इसको हम चलो पहले रिएक्शन देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिंक धातु से क्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी कि NaOH+ZN, तो ये सोडियम जिंकेट हमारा बनता है। सेकंड जो हमारा इसमें था कि खाने का हानि पीने वाले जल में जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए व्यंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, और भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। और तीसरे में पूछा है जो प्राकृतिक पदार्थ जो सूचक की तरह व्यवहार करते हैं, तो देखिए जैसे हल्दी है, लाल पत्ता गोभी है, हाइड्रेजिया है, गुड़हल पादप है, पेटनिया है, जेरानियम है, इन फूलों की जो पत्तियां होती है वो किसी विलयन में अम्ल क्षारक की उपस्थिति को बताती हैं कि वो अम्ल है या क्षारक है, क्योंकि कलर में परिवर्तन होगा। कि जैसे कि हम जानते हैं कि सूचक क्या करते हैं, रंग परिवर्तन करके दर्शाते हैं।
जैसे कि अमल के लिए हम जानते हैं कि अमल में क्या होता है कि नीला लिटमस पत्र है उसको लाल में कन्वर्ट कर देता है, क्षारक क्या करता है लाल को नीले में। तो इस तरह से ये कलर परिवर्तन से दर्शाती है। अब देखिए इसका जो ऑप्शन था 21 वाले का अथवा वाला, उसको भी हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। अब जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा वो हमारा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 होता है। ऐसे ही जो जिप्सम हमारा होता है कैल्शियम सल्फेट का डाइहाइड्रेट होता है। ऐसे ही जो चूना पत्थर होता है, जो चूना पत्थर है उसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी कि MCOH का होल ट्वाइस, इसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बी है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय है, इनकी अम्ल से क्रिया कराने पर क्या होगा, उदाहरण से ये तो बताइए। तो देखिए धातु हाइड्रोक्साइड सॉरी ऑक्साइड है, उसकी प्रकृति होती है क्षारीय। अब हम कैसा कह सकते हैं, क्योंकि ये जब भी अम्लों से क्रिया करते हैं तो लवण में जल बनाते हैं, यानी कि जब भी धातु ऑक्साइड की अम्ल से क्रिया होगी तो ये लवण और जल बनाते हैं, जो कि क्या होता है नील हरित रंग का होता है। यहां हम जो एक एग्जाम्पल भी इसमें ले सकते थे, CuO+2HCl और ये बनेगा CuCl2+H2O। अब ये हमारा सॉलिड स्टेट में होगा, HCl एक्वस स्टेट में होगा, CuCl2 एक्वस स्टेट में और H2O लिक्विड स्टेट में होगा। तो जो क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही जो धात्विक ऑक्साइड है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण में जल बनाते हैं, इसलिए इसे हम क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं, और ये इसका एग्जाम्पल था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है और इसका महत्व। देखिए पौधे की सतह से जो जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, जिससे क्या होता है पौधे में जल की हानि होती है, उसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। अब वाष्पोत्सर्जन पौधे के लिए अच्छा भी है और बुरा भी कैसे है। देखिए हानि तो क्या है कि अगर पौधे में ज्यादा वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा तो पौधा सूख जाएगा, और अगर पौधा सूख जाएगा तो उसमें जो पोषक तत्व है उसकी कमी हो जाएगी, उनका परिवहन नहीं होगा। सेकंड इसका महत्व तो देखिए, वाष्पोत्सर्जन से पौधे के भीतर जल तथा खनिज लवणों का क्या होता है परिवहन होता है। इसके अलावा जो कोशिका भित्ति होती है सॉरी कोशिका के जो भीतर अनुकूल स्फीति का एक निवार निर्माण होता है। इसके अलावा जो अधिक तापमान पर भी जो पौधा अनुकूलित बना रहेगा। इसके अलावा जो अतिरिक्त जल है उससे छुटकारा मिल जाता है। देखिए जो बी क्वेश्चन था इसमें हमारा कि उत्सर्जित उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। तो देखिए पादप शोषण क्रिया से जो हमारा उत्सर्जित है CO2, और श्वसन क्रिया से जो CO2 और जलवाष्प निष्कासित होता है तो उसे विसरण के द्वारा जो इसके रंध्र हैं, जो पत्तियों पे रंध्र पाए जाते हैं, वात रंध्रों के द्वारा वातावरण में उत्सर्जित कर देता है। इसके अलावा जो उत्सर्जन योग्य पदार्थ है उसमें इसकी पत्तियों छाल एवं फलों तक पहुंचा दिया जाता है। वैसे जो सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है तो पत्तियों के द्वारा होता है। ऐसे ही जो कण इसमें कई उत्सर्जी पदार्थ हैं तो ये कोशिका की रिक्तिकाओं में संचित कर दिए जाते हैं। इसके अलावा जो इनमें जो जाइलम होते हैं, उन जाइलम में जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं जैसे रेजिन है गोंद है तो वो संचित हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसी का जो ऑप्शन बी है वो भी हम सोल्व कर लेते हैं। सामान्य जंतुओं में किस प्रकार का शोषण पाया जाता है, इसमें ऊर्जा उत्पादन को रासायनिक समीकरण से समझाइए। देखिए सामान्य जंतुओं में वायवीय शोषण पाया जाता है, जिन वायु की उपस्थिति में ही करते हैं ना, इसमें ऊर्जा उत्पादन की रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये इक्वेशन मैंने कई बार एक्सप्लेन की है, जो ग्लूकोज का जो विघटन है यानी कि C6H12O6 और उससे CO2 और H2O का निर्माण होता है, यानी कि जो श्वसन के द्वारा जो
वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। दिग्रोम क्या होते हैं और इनका क्या महत्व है? तो देखिए, जो क्षुद्रांत होती है, जो आंत होती है, उसके आंतरिक स्तर होते हैं, वहां उंगलियों के समान संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम दिग्रोम कहते हैं। और ये क्या करती है कि जो कोई भी पदार्थ है उसके अवशोषण के लिए क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। तो इन दिग्रोम से क्या होता है कि जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में प्रवाहित होती हैं, जिससे भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि समांतर प्रकाश किरण द्वारा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस एफ को निर्धारित करने के लिए किरण चित्र बनाइए। तो इसके लिए किरण चित्र आप आसानी से बना सकते हैं, ये बुक में आपको आसानी से मिल जाएगा। बी है कि किसी उत्तल लेंस द्वारा सूर्य के प्रकाश को कागज की शीट पर फोकसित करने पर कागज जलने क्यों लगता है? कि अवतल लेंस है उसका उपयोग करें तब तो नहीं जलता, उत्तल लेंस से ही क्यों जलता है? क्योंकि देखिए, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें एक समांतर किरण पुंज की तरह व्यवहार करती। अब उत्तल जो लेंस यदि हम लगा दें और उसके पीछे कागज की शीट लगा दी, तो इससे ये निकल के और जो कागज है वहां, जो इसका फोकस बिंदु है वहां पर एक चमकदार बिंदु के रूप में इकट्ठी हो जाती है, और जो सूर्य के प्रकाश होता है उसमें ऊष्मा होती है, और इस ऊष्मा के कारण, एक जगह इकट्ठी होने के कारण ही कागज जलने लगता है। सेकंड इसका जो अथवा है, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाओ जबकि बिंब की स्थिति फोकस F1 तथा प्रकाशित केंद्र O के बीच में हो। तो देखिए, इसका मैंने नीचे किया है, जो बी वाला जो था उसको मैंने ऊपर ये कर दिया है। बी वाला क्वेश्चन ये है कि वायु में गमन करने वाली प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तथा प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी। तो देखिए, यदि प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुकेगी, इसका मतलब है कि जो प्रकाश किरण जल तथा वायु की तुलना में क्या है, सघन है। इसलिए जब प्रकाश किरण वायु से विरल, वायु कैसा माध्यम, विरल माध्यम है, और पानी वायु की तुलना में क्या है, सघन है, तो ऐसे माध्यम में प्रकाश करती है तो प्रकाश की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इसके विपरीत यदि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती तो ये अभिलंब की से दूर हट जाती। और ये रहा हमारा जो इसका डायग्राम, जब फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हमारी जो है, देखिए ये लेंस है, तो यहां हमारा जो प्रकाशिक केंद्र है, यहां जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनता है, इधर पीछे की ओर बनता है। ये हमारा F2 है, ये 2F2 है, यानी कि जो प्रथम फोकस दूरी है, ये द्वितीय फोकस दूरी है, ये वक्रता त्रिज्या है C1। तो इस तरह से ये जो मोल्ड पेपर 7 है उसका हमने सॉल्यूशन किया। तो इसी तरह के अन्य जो मोल्ड पेपर हैं उनके डिटेल सॉल्यूशन के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।